बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये एक नए ब्लॉग का, एक नए वीडियो का, एक नई रेसिपी का आगाज करते हैं। आज बनाने लगे हैं फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट्स मैंने मंगवा के रखे हुए थे, दो किलो दूध है जी, थोड़ा सा बचा लेते हैं हम कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए। गर्मी ने तो भाई आज बस बस करवाए खड़ी है। इतनी शदीद गर्मी है ना आज फिर के जाके गर्मी फिर से लौट आई है और जाने का नाम नहीं ले रही। दूध है उसमें एक कप चीनी डाल जाएगी। कस्टर्ड पाउडर को लेते हैं खोल, दूध हमारा गर्म हो चुका है। इलायची डालते हैं इसमें खुशबू के लिए, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है। कस्टर्ड पाउडर मैंने घोल लिया है, वो इसमें डालते हैं। और इसको साथ साथ खिलाना जरूरी है वरना लम्स बन जाते हैं। पंखे का शोर भी आप लोगों को आ रहा होगा, पंखा चलाना भी जरूरी है वरना एक तो गर्मी भी बढ़ी है, दूसरा कस्टर्ड नहीं ठंडा होगा। और साथ साथ बैठ के मैं इनका फ्रूट्स काट देती हूँ। इतनी देर में जेली मैंने उठा के फ्रिज में रख दी है। आमना की जो ड्यूटी लगाई है बादाम काटने पे।
के लाती हूँ जिसमें सर्व करना, और जैली को भी देखते हैं किस हालत में है। बर्तन हम अपना उठा के ले आए हैं और इसको करते हैं सर्व। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, इसको डालते हैं। जी आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और इसको रखते हैं फ्रिज में। अभी इस पे जेली भी हमने डालनी है, और मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। अभी मैं एंड में इस पर जेली डाल के भी आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। और आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल